स्वामी आत्मा स्वरूपानंदपुरी जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी कृष्णपाल जी, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, अभी कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं, देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। यह अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका यह समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेहंतिले कारुण्यतिले सेवनतिले त्यागतिले पर्यायमाण अम्मा, माता अमृतानंदमयी देवी भारतंडे दे महत्ताय, आध्यात्मिक परंपरा तिंडे नेरवकाशियां। हमारे यहां कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम्। इन महाउपनिषद आशय मण अम्मयुड़े जीविता संदेशम, अर्थात अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। अम्मा का जीवन संदेश हमें महाउपनिषदों में मिलता है। मैं मठ से जुड़े संतजनों को, ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों को, सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी बंधु भगिनी को भी आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,
हम बार बार सुनते आए हैं, न तम हम काम ये राज्यम न च स्वर्ग सुखानी च काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका है।